हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AKS लॉ क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के MCQ क्वेश्चन पार्ट थर्ड। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड अपलोड कर चुके हैं, उसे आप ज़रूर देखें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है? ऑप्शन ए, पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृति। ऑप्शन बी, विशेषज्ञ की राय। ऑप्शन सी, विदेशी निर्णय। ऑप्शन डी, मृत्युकालीन कथन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुलिस के समक्ष की गई स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 14 के अंतर्गत शब्द मानसिक दशा में अंतर्निहित है। ऑप्शन ए, प्रयास। ऑप्शन बी, तैयारी। ऑप्शन सी, आशय। ऑप्शन डी, हेतु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आशय। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत प्रयुक्त मानसिक दशा प्रकट करती है। ऑप्शन ए, आशय को। ऑप्शन बी, उतावलापन को। ऑप्शन सी, सद्भाव। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय साक्ष्य विधि के अंतर्गत स्वीकृति कौन से कथन होते हैं? ऑप्शन ए, जो दस्तावेज के रूप में हो। ऑप्शन बी, जो मौखिक रूप में हो। ऑप्शन सी, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट हो। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, धारा 53। ऑप्शन बी, धारा 23। ऑप्शन सी, धारा 27। ऑप्शन डी, धारा 133। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 23। क्वेश्चन नंबर 56, कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का वाद संबंधित है किससे? ऑप्शन ए, मृत्युकालीन कथन से। ऑप्शन बी, पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति से। ऑप्शन सी, विशेषाधिकार प्राप्त संसूचना से। ऑप्शन डी, सह अभियुक्त की संस्वीकृति से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सह अभियुक्त की संस्वीकृति से। क्वेश्चन नंबर 57, पाकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट का वाद संबंधित है? ऑप्शन ए, मृत्युकालीन कथन से। ऑप्शन बी, विबंध से। ऑप्शन सी, शपथ से। ऑप्शन डी, सबूत के भार से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मृत्युकालीन कथन से। क्वेश्चन नंबर 58, पूर्व न्याय का सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में प्रावधानित किया गया है? ऑप्शन ए, धारा 133 में। ऑप्शन बी, धारा 115 में। ऑप्शन सी, धारा 40 में। ऑप्शन डी, धारा 160 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 40 में। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत उपधारणा है? ऑप्शन ए, विधि की खंडनीय उपधारणा। ऑप्शन बी, तथ्य की उपधारणा। ऑप्शन सी, तथ्य और विधि की उपधारणा। ऑप्शन डी, विधि की अखंडनीय उपधारणा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विधि की अखंडनीय उपधारणा। क्वेश्चन नंबर 60, क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला का वाद आधारित है? ऑप्शन ए, संस्वीकृति पर। ऑप्शन बी, स्वीकृति पर। ऑप्शन सी,
मृत्युकालीन कथन पर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मृत्युकालीन कथन पर। क्वेश्चन नंबर 61, वह व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाता है जो ऑप्शन ए विषय संबंधी विशिष्ट ज्ञान रखता हो, ऑप्शन बी अनुभव रखता हो, ऑप्शन सी विदेशी विधि या विज्ञान या कला में विशेष कौशल रखता हो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत विशेषज्ञ की राय सुसंगत है, ऑप्शन ए धारा 45, ऑप्शन बी धारा 46, ऑप्शन सी धारा 41, ऑप्शन डी धारा 44। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 45। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय सुसंगत तथ्य है, ऑप्शन ए धारा 65 बी में, ऑप्शन बी धारा 32 एक में, ऑप्शन सी धारा 45 ए में, ऑप्शन डी धारा 47 ए में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 45 ए में। क्वेश्चन नंबर 64, नार्को टेस्ट के अंतर्गत दिए गए कथन की प्रकृति क्या है, ऑप्शन ए यह एक वैज्ञानिक साक्ष्य है, ऑप्शन बी यह एक मौखिक साक्ष्य है, ऑप्शन सी यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य है, ऑप्शन डी यह एक साक्ष्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यह एक वैज्ञानिक साक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में यह उपबंध है कि अभियुक्त का पूर्व का बुरा शील सुसंगत नहीं है, ऑप्शन ए धारा 52 में, ऑप्शन बी धारा 53 में, ऑप्शन सी धारा 54 में, ऑप्शन डी धारा 118 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 54 में। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में किसी अधिकार या प्रथा के अस्तित्व को किस धारा में साबित किया जा सकता है, ऑप्शन ए केवल धारा 15 में, ऑप्शन बी केवल धारा 14 में, ऑप्शन सी केवल धारा 13 में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल धारा 13 में। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कौन स्वीकृति कर सकता है, ऑप्शन ए कार्रवाई से संबंधित पक्षकार, ऑप्शन बी एक अन्य पक्षकार, ऑप्शन सी कार्रवाई से संबंधित गवाह, ऑप्शन डी न्यायालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्रवाई से संबंधित पक्षकार। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा वाद केवल स्त्री की आँख के आंसुओं के साक्ष्य के आधार पर निर्णित हुआ था, ऑप्शन ए के एम नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन बी पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन सी समीम रहमानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन डी राजस्थान राज्य बनाम श्रीमती कनूरी देवी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य। क्वेश्चन नंबर 69, विशेषज्ञ की राय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है, ऑप्शन ए धारा 45, ऑप्शन बी धारा 46, ऑप्शन सी धारा 47, ऑप्शन डी धारा 43। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 45। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित श्रुति साक्ष्य के नियम का अपवाद नहीं है, ऑप्शन ए रहस्यष्टे,
ऑप्शन बी मृत्युकालीन घोषणा, ऑप्शन सी संस्वीकृति, ऑप्शन डी विशेषज्ञ की राय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विशेषज्ञ की राय। क्वेश्चन नंबर 71, मृत्युकालीन कथन ग्राह्य होता है। ऑप्शन ए केवल दांडिक मामलों में, ऑप्शन बी केवल दीवानी मामलों में, ऑप्शन सी परिस्थिति पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी दांडिक और दीवानी दोनों मामलों में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दांडिक और दीवानी दोनों मामलों में। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट विधि के कथनों की सुसंगतता से संबंधित है। ऑप्शन ए धारा 39, ऑप्शन बी धारा 38, ऑप्शन सी धारा 37, ऑप्शन डी धारा 36। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 38। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिबंधी निर्णय है। ऑप्शन ए दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के वाद में अंतिम निर्णय, ऑप्शन बी दिवालियापन के वाद में अंतिम निर्णय, ऑप्शन सी नवादिकरण वाद में अंतिम निर्णय, ऑप्शन डी विवाह विच्छेद के वाद में अंतिम निर्णय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के वाद में अंतिम निर्णय। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित वाद में से कौन सर्वबंदी निर्णय है। ऑप्शन ए संविदा भंग के वाद में अंतिम निर्णय, ऑप्शन बी अपमान लेख के वाद में अंतिम निर्णय, ऑप्शन सी विवाह विच्छेद के वाद में अंतिम निर्णय, ऑप्शन डी दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के वाद में अंतिम निर्णय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विवाह विच्छेद के वाद में अंतिम निर्णय। क्वेश्चन नंबर 75, खोजी कुत्ते द्वारा खोजा साक्ष्य किस श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए दस्तावेजी साक्ष्य, ऑप्शन बी वैज्ञानिक साक्ष्य, ऑप्शन सी अनुसूचित साक्ष्य, ऑप्शन डी मौखिक साक्ष्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वैज्ञानिक साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा के अंतर्गत तीसरे पक्षकार की राय सुसंगत है। ऑप्शन ए धारा 141, ऑप्शन बी धारा 34, ऑप्शन सी धारा 45, ऑप्शन डी धारा 17। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 45। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस विषय पर विशेषज्ञ सक्षम साक्षी है। ऑप्शन ए हस्तलेख, ऑप्शन बी विज्ञान संबंधी, ऑप्शन सी विदेशी विधि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन विशेषज्ञ है। ऑप्शन ए अंगुली विशेषज्ञ, ऑप्शन बी विदेशी विधि विशेषज्ञ, ऑप्शन सी हस्तलेख विशेषज्ञ, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में डीएनए टेस्ट साक्ष्य में ग्राह्य है। ऑप्शन ए धारा 45, ऑप्शन बी धारा 47, ऑप्शन सी धारा 48, ऑप्शन डी धारा 49। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 45। क्वेश्चन नंबर 80, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य साबित किए जाएंगे। ऑप्शन ए परिस्थिति जन्य साक्ष्य से, ऑप्शन बी मौखिक साक्ष्य से, ऑप्शन सी प्राथमिक साक्ष्य से, ऑप्शन डी
द्वितीयक सच से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मौखिक सच से। तो इस प्रकार हमने एविडेंस के टोटल 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। आगे भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।